मेरे साथ जो बैठे हुए हैं मेरे पड़ोसी मुल्क से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं और पासपोर्ट पे दिखाई दें अभी पब्लिक को कि ये ना कहें कि कोई पाकिस्तानी बंदे कोई इंडियन बना के। हमारे यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें चलती हैं इस तरह की। ये देखें भाई, ये लिखा हुआ साहब, ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के भी बताएं। ये लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखा हुआ है भारत गणराज्य। अच्छा, नीचे लिखा हुआ पासपोर्ट और नीचे हमारा शेर का निशान बना हुआ, नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। जबरदस्त। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों यहाँ ये अंकल इंडिया के पंजाब से पाकिस्तान में आए हुए हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात इस रिपोर्टर से होती है। तो रिपोर्टर इन अंकल से ये पूछता है कि इंडिया पाकिस्तान से कितना डेवलप है और दोनों देशों में कितना फ़र्क आपको दिखाई दिया। तो इस पर इन अंकल ने जो जवाब दिए उस पर पाकिस्तानी लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस इंडियन अंकल ने क्या क्या बातें कही। तरक्की की बात करूँ तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट पर रहते हैं वहाँ पर और यहाँ पर जो हमारा मेन सिटी है लाहौर, आपने डेवलपमेंट को कैसे देखा पाकिस्तान और इंडिया के? अगर डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा है इस टाइम? डेवलपमेंट इस टाइम तो नो डाउट इंडिया में ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि 75 ईयर्स इंडिया को हो गए, 75 ईयर्स ही पाकिस्तान को हो गए, लेकिन उस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट इतनी नहीं है। अच्छा, लेकिन जो लाहौर शहर है, जैसे मेन शहर है एक, जैसे हमारे मेन शहर हैं, वहाँ पे तो क्या ही बात है। जैसे आपके उर्दू में सही बना हुआ है, जैसे आपके उर्दू में बोलते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे आके भी वो माशाल्लाह वाली बात भी नहीं मेरे को दिखी। अच्छा, लाहौर में भी डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस लेवल की डेवलपमेंट यहाँ पे। अच्छा, क्या देखते हैं आपके, आपने कहा मेरे बाप दादाओं का ये शहर है, ये मुल्क है, तो जब हम अलग हुए हैं, अलग होने के बाद अगर आज हम एक होते तो ज़्यादा बेटर होता, या अलग होकर बेटर हुआ, कैसे देखते हैं? ऐसे है, पहले तो हिंदुस्तान अलग नहीं हुआ, पाकिस्तान नया बना। हाँ जी, अलग नहीं हुआ। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले बने होते तो फिर अलग होते, तब हम बोल सकते थे। ये तो पाकिस्तान नया बना, आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था, पाकिस्तान तो नया ही बना। उसके बाद जब मैंने यहाँ आके देखा कि डेवलपमेंट तो कोई है ही नहीं, तो फिर अलग क्यों हुआ? क्या मतलब, क्या बोलते हैं, कारण जिसको हम बोलते हैं, आपके उर्दू में बोलते हैं वजूहात हैं। वो मेरे को तो वो कोई एक भी कारण यहाँ दिखा नहीं कि जिस वजह से अलग हो गए तो यहाँ पे जी सुरखाब के पर लग गए। अल्टीमेटली तो मेरे को फिर नटशेल वही बोलूँगा कि दुखी हुआ, जबकि बड़ा अच्छा मुल्क है, वही लोग यहाँ रहते हैं, वही वहाँ रहते हैं, सेम हमारी लैंग्वेज है, खान पान सेम है। मैं आपको बड़ी मज़े की बताऊँ, जो हम गालियाँ निकालते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो भी यहाँ भी सेम ही है पंजाबी में। और जबकि इतना कुछ सिमिलैरिटी होने के बावजूद डेवलपमेंट में सिमिलैरिटी क्यों नहीं है? सर यहाँ पर एक सवाल और मज़ीद पूछना चाहूँगा, लोगों में क्या डिफरेंशिएट किया आपने, लोगों में क्या डिफरेंस देखा? यहाँ के लोगों से भी आपके मतलब के मिले जुले होंगे, इंडिया के लोग भी, आप तो वहाँ पर पैदा भी वहाँ पर हुए, लोगों की मैंटेलिटी में क्या चीज़ देखी कि वो आप लोग डेवलप कर गए, हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, हम पीछे रह गए, बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, तकरीबन 100 साल पीछे रह गए। 100 साल तक आप तक पहुँचने तक आप आगे भी चले जाएंगे। तो क्या ऐसी चीज़ें देखी कि जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाए? बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, निजी एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। मैं जब होटल से बाहर निकल रहा था, लोकल लोगों से मिलता हूँ, तो हम लोग तो खुले दिल के हैं, तो बड़ी जल्दी लोग मिक्सअप हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। आपसे मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की, आपसे मैं बात कर रहा हूँ तलीमी निज़ाम की, आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये ट्रैफिक ऐसा क्यों है, फलाना ऐसा क्यों है। जवाब मेरे को क्या मिल रहा है? ओ जी ऐसा है, हमारे नबी ओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मैं कहा भाई, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और तू आ किथे मस्जिद खोल के बहगे हुआ, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं देखो ना, हमारे उन्होंने, हमारे जो नबी थे। और मैं कहा यार ये सब चीज़ें मेरे को लगी कि हम यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो हर चीज़ में मज़हब को घुसा देते हैं। यार बात हो रही डेवलपमेंट, मज़हब को रखो ना घर में। मैं सिख हूँ, मैं गुरुद्वारे में रखूँगा या अपने घर में रखूँगा, जहाँ मैंने मंदिर गुरुद्वारा बनाया है। जब मैं मार्केट में निकलता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, बिल्कुल सही बात है, और अपना स्टैंडर्ड ऊँचा रखने की बात करूँ। मैं ये क्या, हर चीज़ में मज़हब, जब मतलब एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हर चीज़ में मज़हब डालने की ज़रूरत होती नहीं, हमको तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते, हम वाहेगुरु को नहीं मानते। मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, तो मैं यहाँ माथा टेकने आया हूँ, अपने घर देख के आया हूँ। ये सब हैं हम, दिमाग सबका होता है, सोचनी सबकी होती है, लेकिन हम मज़हब को मज़हब के टाइम पे जो आप क्या बोलते हैं उसको इबादत का में हम तब जाते हैं जब एक टाइम होता है। जैसे आपके भी जब वो होती है ना 5 नमाजें, उसका टाइम है। ये थोड़ी कि आदमी एक दिन में 24 घंटे वहीं बैठा रहता है। तो आपकी बातचीत में क्यों वो चीज़ मेरे को दिखती है? बात मैं कर रहा हूँ आपकी, ये ट्रैफिक ऐसा क्यों है? आपकी गाड़ियाँ इतनी पुरानी क्यों हैं? हाँ, यहाँ तो रेट सुन के हैरान हो गया यार मैं गाड़ियों का। बाहर में निकला होटल से, यहाँ ना सब टैक्सी वैक्सी खड़ी रहती है। मैं कहा यार आपकी यार साबुनदानी जी, पंजाबी में बोला मैंने, ये साबुनदानी रखी, इसको चेंज क्यों नहीं करता? वो कहता सरदार जी तुम साबुनदानी कहते तुसी। मैं कहा पुराना मॉडल बहुत, कहता जी ये पुराना मॉडल मैं 11 लाख का लिया। और मैं कहा यार 3,20,000 में तो हमारी नई ऑल्टो गाड़ी इंडिया में मिल जाती है। और वो भी जबकि ज़्यादा हम लोग तो नहीं चलाते, हम तो बड़ी ही चलाते हैं। मैं कहा ये सब जो वो भी है चलो लोग चलाते हैं। और मैं कहा तू, कहता जी मैं 11 लाख की सेकेंड हैंड ली है, और वो भी मॉडल बता रहा था आज से 8-9 साल पहले का। अच्छा एज ए बिजनेसमैन देखो मेरा दिल क्या किया, मैं कहा यार मैं इंडिया से गाड़ियाँ ना यहाँ ला के बेचनी शुरू कर दूँ। मैं कहा तू 32 लाख की ऑल्टो बोल रहा है, 38 लाख की तो फॉर्चूनर आ जाती है। कहता फॉर्चूनर तो यहाँ पे 1.5-2 करोड़ की है। सही बात है, सही बात। अच्छा दुकानों में जब चीज़ें लेने जाते हैं तो क्या चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं? वही चीज़ें, सामान तो सिमिलर ही है ना तकरीबन, इंडिया के प्रोडक्ट भी यहाँ पर आती हैं, दुबई के थ्रू होकर आती हैं। जब रेट प्राइसेस पूछते हैं तो जब मांगते हैं तो क्या शौक लगता है? देखो शौक तो बहुत लगता है। अच्छा, ये पानी की बोतल वहाँ पर इंडिया में कितने की मिलती होगी? ये पानी की बोतल, ये बोतल 10-15 रुपए की है। यहाँ पर ये बोतल 60 रुपए की है। यार मेरे को पकड़ा दे, मैं कहीं टूट फूट ना जाए, वेस्ट ना हो जाए। तो क्या कहेंगे कि जब आप अपने मुल्क को तरक्की करते हुए देखते हैं तो जब यहाँ से तारीफ होती है, जब वीडियो में देखते हैं तो प्राउड होता है अपनी कंट्री के होते हुए, अपने देश पर प्राउड फील करते हैं? होता है, क्यों नहीं होता है। आप लोग दुनिया में जन्नत में रह रहे हैं, आप लोग चंद्रयान पर चले गए, हमने चांद बना दिया अपने मुल्क को। लेकिन इंशाल्लाह डेवलपमेंट की तरफ आएंगे हम, तरक्की। क्या लग रहा है कि पब्लिक के माइंडसेट को देखते हुए लग रहा है कि ये आने वाले कुछ सालों के अंदर हम डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे? देखो जी, पहले तो पब्लिक का माइंडसेट सही होना चाहिए। अगर पब्लिक का माइंडसेट सही होगा ना, हाँ जी, तो फिर जैसे हमने पसंद किया, वोट डाली, मोदी जी को लेके आए, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। हाँ जी, मोदी जी कैसे लीडर है आप लोगों के लिए, आप कंट्री के लिए कैसे साबित हो? ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। मेरे चेहरे का जो फकर है ना, जो गरूर है, जब मैं किसी भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, किसी दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट पे, मेरे को फर्क दिखता है। अच्छा, मेरी अब चेकिंग नहीं होती। अच्छा, किसकी वजह से? मेरे पासपोर्ट की वजह से। अच्छा, जब वो देखते हैं इंडियन, चलो पासपोर्ट पे दिखाई दें अभी पब्लिक को, कि ये ना कहें कि कोई पाकिस्तानी बंदे कोई इंडियन बना के, हमारे यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें चलती हैं इस तरह की। ये देखे भाई, ये लिखा हुआ साहब, ये क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ के भी बताएं। ये लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखा हुआ है भारत गणराज्य। अच्छा, नीचे लिखा हुआ पासपोर्ट, और नीचे हमारा शेर का निशान बना हुआ, नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। जबरदस्त। और ये गाइस इंडिया से आए हैं हमारे सर, ये उसके अंदर ये मेरा नाम है हरप्रीत सिंह वालिया, ये मेरी फोटो लगी हुई है। जबरदस्त, सही हो गया सर, यकीन हो गया कि आप वाकई में ही इंडिया से आए हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे एंड पे, कोई हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ अपनी तरफ से कोई बात करना चाहें तो वो जरूर कर सकते हैं। मैसेज मैं यही दूंगा कि अपना जो स्टडी सिस्टम है, सबसे पहले वो आपकी नींव है, आपकी फाउंडेशन है, उसको ठीक कीजिए। जब एजुकेशन सिस्टम नहीं ना सही, जब एजुकेशन जो मैं स्कूल कॉलेज में मैं जा रहा हूँ तो मैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ूं, उसके लिए मेरी मस्जिद है, आपकी मस्जिद है, वहाँ जाइए। जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ें, सिर्फ हम पढ़ाई करें। पास में हॉस्पिटल था तो वो भी देखने का मौका मेरे को मिला, लेकिन बेटा दिल मेरा खुश नहीं हुआ। हॉस्पिटल देख के सफाई नहीं थी, हाँ वो जो आम लोकल जनता थी उनके साथ वो कैसे बातचीत कर रहे थे मेरे को पसंद नहीं आया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे? हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, क्या नाम था हॉस्पिटल का? पता नहीं मेरे को, तो यहाँ ज्यादा हॉस्पिटल होगा या ऐसा ही कुछ था मेरे को, ज्यादा इधर पास में ही है कहीं पे, मेरे को पता नहीं, पर लेकिन मजा नहीं आया यार देख के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें दूर हों। इंडिया के इससे बेहतर है हॉस्पिटल्स का निजाम? बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। मतलब आप मेरे को बार बार शर्मिंदा ना कीजिए पूछ के, कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा, हाँ, इन्होंने फाइनल पे बात ही खत्म कर दी। कहते बार बार मुझसे पूछ के, मुझे कह रहे कि मुझे बताते भी अच्छा नहीं लग रहा, कि कहते कंपैरिजन ही नहीं है अब तो रह गया किसी भी तरह से, कि इंडिया इतना डेवलप कर चुका है। दोस्तों, यहाँ पर इन अंकल ने जितनी भी बातें इस रिपोर्टर से कही वो सब सही है। दुनिया 21वीं सदी में जी रही है और अभी भी पाकिस्तानी लोग हर चीज़ के बीच में अपना रिलीजन लेकर आते हैं। ये बात इन लोगों के दिल और दिमाग में इतने अंदर तक घुसी है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि ज़्यादातर लोग रिलीजन को एक प्राइवेट चीज़ मानते हैं और उसे हर जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये भी एक प्रमुख कारण है पाकिस्तानी लोग तरक्की न करने का। पाकिस्तान में एजुकेशन में भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए बचपन से ही ये लोग हर चीज़ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना शुरू करते हैं। इनोवेशन, साइंस बेस्ड एजुकेशन, नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, अपडेटेड और अपग्रेडेड सिलेबस ये लोग लाते ही नहीं हैं। इसलिए इनकी हर एक जनरेशन दुनिया से काफ़ी पीछे दिखाई पड़ती है। इंडिया से दुश्मनी का रिलीजन एक सबसे बड़ा कारण है और इतने सालों से इंडिया से दुश्मनी भी इसी वजह से की जा रही है। बाकी रिलीजन से हेट्रेड और दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत हुई है। एक्सट्रीमिज़म, लोगों का रेडिकलाइजेशन, ये चीज़ें वहाँ पर आम है और ये लोग आज भी को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन अंकल ने इन्हीं बातों का जिक्र किया जो कि एकदम सही और सटीक थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।